हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें जो ये फिगर दी गई है इसमें एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। इसके बाद हमसे कहा गया है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर एंगल 1 को कम कर दिया जाए तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आने चाहिए कि इन चेंजेस के आने के बाद भी एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहें। यानी कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, एंगल 1 को कम करते हैं, तो एंगल 2 में ऐसे क्या चेंजेस आने चाहिए कि उसके बाद भी ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल ही रहे, यानी ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री ही रहे। इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स, इससे आपके लिए क्वेश्चन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, ये रफ वर्क में आपने करना है, ठीक है, कि हम लेट कर लेते हैं कि एंगल 1 120 डिग्री है और एंगल 2 60 डिग्री है। अब मान लीजिए कि हम एंगल 1 को 20 डिग्री कम कर देते हैं, तो एंगल 1 20 डिग्री कम होकर क्या रह जाएगा, ये 20 डिग्री कम होकर रह जाएगा 100 डिग्री। अब जितना यहां पर हमने इसको कम किया है, यानी कि 20 डिग्री कम किया है, उतना ही हम यहां पर एंगल 2 को बढ़ा देंगे। तो अब एंगल 2 पहले कितना था, 60 डिग्री, तो आप इसको कितना बढ़ाएंगे, जितना यहां से इसको कम किया है, यहां से 20 डिग्री कम किया है तो यहां 20 डिग्री बढ़ा दीजिए। तो जब आप 60 डिग्री में 20 डिग्री बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, 80 डिग्री। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो एंगल 1 है वो अब 100 डिग्री हो गया और अब जो एंगल 2 है वो 80 डिग्री हो गया, लेकिन अभी भी अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपको क्या मिलता है, 100 प्लस 80 क्या होता है, 180 डिग्री। यानी चेंजेस आने के बाद भी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही है, यानी अभी भी ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम यहां पर एक और चेंज करके देख सकते हैं, पहले हमने जो एंगल 1 लिया था वो 120 डिग्री था और एंगल 2 60 डिग्री था। अगर हम एंगल 1 को 40 डिग्री कम कर दें तो अब एंगल 1 क्या हो जाएगा, 120 में से 40 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 80 डिग्री। अब यहां पर हमने कितना कम किया, 40 डिग्री, तो यहां पर हम 40 डिग्री बढ़ा देंगे। तो एंगल 2 जो पहले 60 डिग्री था, अब इसको अगर हम 40 डिग्री बढ़ाते हैं तो 60 में 40 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने एंगल 1 को 120 से 80 किया, यानी कि 40 डिग्री कम किया, तो एंगल 2 में हमने 40 डिग्री ही बढ़ाया। जो एंगल 2 पहले 60 डिग्री था वो अब 100 डिग्री हो गया, लेकिन इन दोनों चेंजेस के बाद भी अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो देखिए 80 प्लस 100 क्या होता है, 180 डिग्री। यानी कि चेंजेस होने के बाद भी ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम अभी भी 180 डिग्री है। तो यहां पर हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि जितना हम एंगल 1 को कम करते हैं उतना ही हमें एंगल 2 को बढ़ाना होता है, इससे जो दोनों एंगल्स हैं वो चेंजेस आने के बाद भी सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहते हैं, यानी उन दोनों का सम चेंजेस आने के बाद भी 180 डिग्री के इक्वल ही रहता है। तो अब हम इसके आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एंगल 2 को हम उतना ही इंक्रीज करेंगे जितना हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एंगल 2 को उतना ही इंक्रीज करते हैं, यानी उतना ही बढ़ाते हैं जितना कि एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जितना कि एंगल 1 कम हो रहा है, तो ये चेंजेस आने के बाद भी ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहेंगे और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।